अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज हम बनाएंगे कद्दू, और इसके लिए हमने एक मुकम्मल बाउल कद्दू चॉप करके लिया हुआ है, एक बड़ा प्याज मोटा काट के लिया हुआ है, और एक कप ऑयल लिया है, एक बड़ा टमाटर बहुत बारीक चॉप किया है इसको, चार से पांच ग्रीन चिलीज हरी मिर्चें हैं, और छोटा सा टुकड़ा अदरक का हमने बारीक चॉप किया है। एक चम्मच मसालों में हम सिर्फ इसमें एक चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी का, और चौथाई चम्मच मैंने इसमें कलवंजी डाली है, ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डाल दें। अभी हम इसको चूल्हे पर चढ़ाते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले प्याज डालेंगे। इसमें हम लहसुन बिल्कुल नहीं डाल रहे, बिल्कुल सादा तरीके से डाल रहे हैं। मैं इसमें लाल मिर्च डालेगी, मैं इसमें काली मिर्च डालेगी, सिर्फ इसमें नमक है और हरी मिर्चें। प्याज हमारे थोड़े से इसको हम लोग ब्राउन नहीं करेंगे, बस मामूली से इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी सफेदी हमने रखनी है ताकि कद्दू के सालन में बहुत मज़ेदार तरीके से दिखता है। ऑयल अगर आप सरसों का तेल अगर ले लें तो बहुत मज़े का जायका बनेगा इंशाल्लाह। प्याज का कच्चापन ख़त्म हो चुका है, अभी हम इसमें कद्दू डालेंगे। ये गोल कद्दू है, लौकी जो है लंगूतरी वाली की वो नहीं है, ट्रेडिशनल गोल कद्दू है। तो ये मैंने आधा कद्दू लिया है, ये बड़े मज़े का बनता है, और असल जो कद्दू की रेसिपी होती है इसी से होती है। तो हम इसको खूब अच्छी तरह इधर इसकी भुनाई करेंगे, थोड़ा सा ये और मैं पकने देते हैं इसके लिए, इसकी हम अच्छी तरह से भुनाई करेंगे, बाद में इसमें और मसाले डालेंगे, और इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे मसाले। उस वक्त हम इसमें थोड़ी सी हरी मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी मामूली सी, ज़्यादा नहीं। पाँच से दस मिनट इसकी लगातार हमें भुनाई करनी है। अगर मसाला है कद्दू बहुत अच्छी तरह से पक चुका है, इसमें काफ़ी टॉप कर दी ताकि उसका जो पानी है अंदर वो भी बन सके। अभी हम इसमें टमाटर डालेंगे, नमक, हल्दी और कलवंजी। हरी मिर्च पानी बिल्कुल नहीं डाला, इसी गाड़ी में इसकी बनाई करेंगे। अभी हम आँच बिल्कुल इसकी लो पे कर देंगे थोड़ी देर के लिए, दो से तीन मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें जाकर हो जाए। तो हम डर ढक लेंगे बिल्कुल लो आँच पर, थोड़ा गल सकते हैं, थोड़ा सा धुनाई करेंगे रेडी होगा। बहुत मज़े का बनता है, ना इसमें लहसुन है, ना लाल मिर्च होगी, ना काली मिर्च होगी, थोड़ी नमक और हरी मिर्च है, थोड़ी देर धुनाई करते रहेंगे। अभी हम इसको थोड़ा मीडियम पे लगाएंगे, हम इसमें अदरक डाल देंगे तो बारीक काटा हुआ, आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े का बनता है, काटा है और बहुत मज़े का बनता है। दो मिनट इसकी भुनाई करेंगे और हमारे साथ